क्या आप जानते हैं 1969 में रशिया ने एक ऐसा फाइटर जेट बनाकर तैयार कर दिया था जो बिना किसी हथियार या बॉम्ब के दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचा सकता था। तो इस फाइटर जेट का नाम था M-25 हेल रीपर, जिसमें चार पावरफुल जेट इंजन्स लगाए हुए थे, जिनकी मदद से ये फाइटर जेट 5 मैक की स्पीड को कवर करके सोनिक बूम क्रिएट करता था, जिससे ये एयरक्राफ्ट बिना किसी वेपन के दुश्मन के एयरक्राफ्ट को तबाह करने के लिए वाइब्रेशन छोड़ता था, जिससे दुश्मन के बिल्डिंग्स टैंक्स पूरी तरह से तबाह हो जाते थे। लेकिन इस एयरक्राफ्ट में सोनिक बूम का ही इस्तेमाल क्यों किया गया था? तो दरअसल सोनिक बूम को ऑफिशियली कभी वेपन माना ही नहीं गया, जिससे अटैक भी हो जाता था और कोई विवाद भी खड़ा नहीं होता था। लेकिन इस एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को 1972 में ही बंद कर दिया था, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट के इंजन को बनाना उस समय बहुत मुश्किल होता था।